नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान सेट राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 55% और ओबीसी के लिए 50%। अब जो अदर स्टेट से हैं वो जनरल कैटेगरी में से ही माने जाएंगे और जनरल कैटेगरी ही उनके लिए एलिजिबल है, इसलिए उन्हें 55% मार्क्स चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब उसके लिए आप एलिजिबल होंगे सेट के लिए। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड से। यदि आप भूल गए हैं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी से और फॉरगेट माई पासवर्ड से, और यहां मल्टीपल एसएसओ आईडी भी सर्च यहां कर सकते हैं। यदि आप नए आवेदक हैं तो आपको सिंपली जो है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है, और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर एक जन आधार और गूगल, देखिए यदि आप राजस्थान से हैं तो जन आधार वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ओनली फॉर रेसिडेंट्स ऑफ राजस्थान स्टेट इंडिया, ऑल अदर इंक्लूडिंग अबव, जो अदर स्टेट से हैं वो यहाँ गूगल से क्लिक कर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की जो फुल डिटेल्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन को, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को बहुत आसानी के साथ करना सीख जाएंगे। उसके बाद आप सेट फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है कि एसएसओ आईडी में राजस्थान की प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां से क्लिक कर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिंपली यहां आप देख सकते हैं लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होता है। लॉगिन करने के बाद जो यहां पर आपको जो एसएसओ आईडी मिलती है वो यहां पर टाइप करनी होती है और पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन बटन पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हमारा पोर्टल ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमारी वैकेंसियाँ ओपन है, जहाँ से हमें क्लिक कर अपना फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट करना होता है। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारे साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। यदि बहुत सारे आइकन्स जो है आपके सामने आ रहे हैं तो आप सिंपली आप सर्च बटन यहाँ देख सकते हैं, क्विक सर्च, क्विक सर्च में जाके आप जो है लिख देंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो यहाँ इस प्रकार का आपके सामने शो हो जाएगा और आपको जो फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। फर्स्ट नंबर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी ओपन हो जाएंगी। इस प्रकार आप यहां देख सकते हैं राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है और यहां से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए अप्लाई के लिए आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं और नोटिफिकेशन को देखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफाइल कम्प्लीट जो 100% हो चुकी है यहाँ पर, और आप भी वीडियो को देख कर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहाँ से क्लिक कर और प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन को फुल डिटेल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, बिना उसके यहाँ लिंक ये एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक आप वो नहीं करेंगे। वो कर लेंगे आप, वैसे यहाँ पर ये लिंक आपको लॉगिन करने के बाद शो होने लगेगा और यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। आपको कोई समस्या लग रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म आवेदन की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट यहाँ देख सकते हैं, फीस पेमेंट की जो 11 फरवरी दे रखा है यहाँ पे, और जो क्लोजर फॉर फी पेमेंट एट कियोस्क 11 फरवरी 2023, मतलब 11 फरवरी को ही सब कुछ होना है, लास्ट है। और यहाँ सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार जो आपके सामने जो है सेट का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और 3 पेजेस का है, इसका लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, वहां से क्लिक कर आप रीड कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्म को अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अब अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा सेट फॉर्म ऑनलाइन आवेदन फिल करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर, यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट शो हो जाते हैं, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट हिंदी से अप्लाई करना है तो हिंदी का जो है स्टेप है वो नीचे है, हम पेज को बॉटम साइज में ले चलते हैं और वहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। आपका जिस जो भी सब्जेक्ट हो आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी सेट हिंदी का यहाँ पर हमें लिंक मिल गया है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार जो है जैसे हमने हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, आपका जो भी सब्जेक्ट आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो है आपकी
कुछ से ज़्यादा डिटेल्स जो है आपकी, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल पंजीकरण आपने किया था 100% कंप्लीट, वो डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाती है। कुछ डिटेल्स जो रह जाती है वो हम एडिट करके फिल कर लेते हैं, जैसे कि आवेदक का नाम यहाँ पर आ जाएगा अपने आप, फिर जेंडर आ जाएगा, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और कैटेगरी को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, चूँकि अदर स्टेट से जनरल अप्लाई करेंगे 55% के साथ, और यदि आप राजस्थान से ही हैं तो जनरल के लिए 55%, ओबीसी के लिए 50%, ठीक है, और नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो धर्म सिलेक्ट करते हुए वैवाहिक स्थिति है, जीवन साथी का नाम यदि मैरिड है तो, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, आधार आईडी, सब कुछ चेक करते हुए पेज के बॉटम साइड में चलते हैं। इस प्रकार जो हम अपनी एड्रेस डिटेल को भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर एड्रेस वन है, एड्रेस टू है, एड्रेस थर्ड है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से वीडियो की डिटेल्स को हाइड करना होता है, बट वीडियो एक डेमो है, इसके माध्यम से आप फॉर्म को विदाउट मिस्टेक के ऑनलाइन करना सीख सकते हैं, लेकिन जो डिटेल्स आप प्रयोग करेंगे वो अपनी ओरिजिनल डिटेल्स, ओरिजिनल फोटो सिग्नेचर का ही यूज़ करेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन होती है उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और अगला स्टेप आपके सामने आ चुका पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पर देख सकते हैं अधिवास विवरण है, इंडियन है, और स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है अपना जिला सिलेक्ट कर लेना होता है, और सिलेक्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो है क्रम से जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अपनी एजुकेशन जो है वो फिल कर लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको जो है फिल करना होता है, मस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन, चूँकि जो है सेट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी के साथ है, क्योंकि फ्रेंड डिटेल हम पहले से ही सेव कर चुके हैं और आपको समझाने के पर्पज़ से हम बता रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं बस फर्स्ट नंबर पर जो है आपको यहाँ अपना 10th है, फिर उसके बाद 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और बीएड भी भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये है, ठीक है, भर देंगे आप एनी अदर इक्विवेलेंट तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। और भरने के बाद जो डिटेल को सेव कर लेते हैं, इस प्रकार से डिटेल आपके सामने शो हो जाती है, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार जो है आप यहां पर अपने फोटो सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे फ्रेंड्स, और यहां आप देख सकते हैं 50 से 100 के बीच में यहां पर फोटो है, और सिग्नेचर जो 20 से 50 के बीच में यहां पर आपको अपलोड करने होते हैं, उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। फ्रेंड्स फाइनल प्रीव्यू आ चुका है फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं अभी फीस नहीं कटी है, तो नॉट सबमिट येट यहां पर आ रहा है, और यहाँ पर आप डिटेल को अपना पूरा प्रीव्यू पेज जो यहाँ पर आपके सामने आया है, प्रीव्यू को सजेस्ट करने के बाद यदि कोई समस्या लग रही है तो अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, एक बार सबमिट हो जाएगा फिर आपके चेंजेस डिटेल्स नहीं हो पाएगी, तो फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद जो फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करते ही इस प्रकार के आपके सामने कॉशन, डियर कैंडिडेट वंस यू क्लिक इन फाइनल सबमिट बटन, आफ्टर दैट यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स आपने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, यदि कोई दिक्कत थी तो अपडेट कर लिया होगा, अब हमको जो फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है और फीस के लिए नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ जाना है। अगला स्टेप पेमेंट का आपके सामने है फ्रेंड्स, यहाँ पर चूंकि अदर स्टेट और जनरल कैटेगरी से फॉर्म है ये, तो यहाँ पर जो है 1500 रुपये का चार्जेस है, और सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा इफ़ एप्लीकेबल भी इसमें रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है फीस का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है टोटल चार्जेस 1500 रुपये का चार्ज है यहाँ पर, और अब इसके बाद जो है आपको जो पे फीस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो है पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन ही केवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC है, कई प्रकार के बैंक के हैं, तो मैंने स्टेट बैंक चूज़ किया है, और पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। यदि फीस डिडक्ट हो जाती है, अपडेट नहीं हो पाती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इफ़ योर ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग फेल्ड एंड अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट इन दिस विल बी रिफंडेड इन योर बैंक अकाउंट 7 working days। यहाँ आप देख सकते हैं 7 working days इन दिस केस प्लीज इनिशिएट ए न्यू ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ ये लिखा तो है ठीक है, और बट आप अभी स्टार्टिंग है तो अभी लास्ट डेट का काफ़ी टाइम है, तो आप जो है 24 से 48 घंटे का वेट करिए, और वेट करने के बाद जो दोबारा से लॉगिन करके चेक करेंगे आपकी फ़ीस अपडेट हुई या नहीं हुई है, उसके बाद ही आप दूसरा ट्रांजेक्शन करने के बारे में सोच सकते हैं,
और पहले कस्टमर केयर से कॉल कर लें, ईमेल कर लें, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को अपनाएं दोबारा फीस पे करने का। यदि कट गई है तो वेट कर लें आप 24 से 48 घंटे, कस्टमर केयर से कॉल या ईमेल कर लें, उसके बाद ही आप दोबारा फीस पे करने के बारे में सोच सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, जिससे आपकी फीस भी बचेगी और आपको उसका लाभ भी मिल जाएगा। तो डिस्क्लेमर यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम ये सब कुछ बताने के बाद जो है आपको पे बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप किसी ई मित्र के पास जाकर या जन सेवा केंद्र के पास जाकर अपना फीस को पे करा सकते हैं। फीस जैसे ही पे होती है तो रिडायरेक्ट होकर आपको पेमेंट स्लिप मिल जाती है, और उसके बाद जो है आप दोबारा से लॉग इन कर अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे फीस सक्सेसफुल हो गई है आपकी, तो यहाँ पेंडिंग दिख रहा है, यहाँ सक्सेस दिखेगा, और ये जो थंब का निशान दिख रहा है ये राइट होगा ऊपर की तरफ और ग्रीन दिखेगा। यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, यदि फीस पेंडिंग है, कटी नहीं है जैसे मान लीजिए, तो यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे और करने के बाद जो पे बटन पर क्लिक करके दोबारा से फीस पेमेंट को कर देते हैं। ठीक है, यदि फीस कट गई है तो 24 आवर्स हो सकता है 72 आवर्स भी आपको वेट करना पड़े, कर लीजिए क्योंकि अभी डेट है। यदि लास्ट डेट नज़दीक है, दिन या दो दिन बचे हुए हैं, उस टाइम पे दोबारा पेमेंट करना मजबूरी होता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह सामान निर्देशित किया गया है कि आप दोबारा करिए ट्रांजेक्शन, हम आपका रिफंड कर देंगे। ठीक है, बट अभी टाइम है तो वेट कर लीजिए, लास्ट डेट नज़दीक है तो बात अलग है, तो आप पेमेंट दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, फीस कट चुकी है आपकी, तो सबसे पहले यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, अपनी फीस को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यदि वेरीफाई हो जाती है, सक्सेसफुली हो जाती है 24, 48, 72 घंटे में, तो अच्छी बात है, नहीं तो जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़कर आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। उससे पहले आप कस्टमर केयर से कॉल या ईमेल जरूर कर लीजिए, जिससे कि संतुष्टि हो जाए, उसके बाद करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद जो है यहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं फाइनल प्रिंट आउट। कोई समस्या लग रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।